सावन का दूसरा सोमवार उज्जैन में शाम 4 बजे से भगवान महाकाल की सवारी निकलना शुरू हो गई। वहीं पहले पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने पत्नी समेत सभा मंडप में सवारी का पूजन किया। वहीं मंदिर के मुख्य द्वार पर सशस्त्र पुलिस बल के जवान पालकी में विराजमान भगवान श्री चंद्र मौलेश्वर को सलामी गार्ड ऑफ ऑनर दिया। तत्पश्चात पालकी में भगवान श्री चंद्र मौलेश्वर के रूप में और हाथी पर श्री मन महेश के स्वरूप में प्रजा का हाल जानने निकले। वहीं सवारी में पहली बार 350 जवानों का विशेष पुलिस बैंड भी शामिल है। डिंडौरी से बेगा समुदाय के आदिवासियों की टोली भी नृत्य कर रही है। वहीं पहली सवारी में भगदड़ की स्थिति बनने के बाद कलेक्टर नीरज सिंह ने इस बार सवारी में डीजे पर बैंड लगा दिया। इससे पहले रविवार देर रात 1 बजे से ही भक्त महाकाल के दर्शन के लिए कतार में लगना शुरू हो गए थे। रात 2:30 बजे भस्म आरती के लिए मंदिर के पट खोले गए। भांग, चंदन, सूखे मेवे और आभूषणों से बाबा महाकाल का अर्धनारीश्वर स्वरूप दिव्य श्रृंगार किया गया। सुबह करीब 9 बजे बारिश के बावजूद भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। भक्त आरती में क्रिकेटर उमेश यादव भी शामिल हुए, उन्होंने भी दर्शन कर बाबा का आशीर्वाद लिया। वहीं दोपहर 2 बजे तक करीब 2.5 लाख भक्त दर्शन कर चुके हैं। वहीं 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु भस्म आरती में शामिल हुए। आपको बता दें कि सावन के पहले सोमवार को 5 लाख से अधिक भक्तों ने दर्शन किए थे। आज भी ऐसी ही संभावना है और रात 10:30 बजे तक दर्शनों का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। गुरु जी, महाकाल की दूसरी सवारी निकल रही है, किस रूप में आज निकलेंगे और क्या क्या? श्रावण का आज दूसरा सोमवार है और दूसरे सोमवार पे भगवान महाकालेश्वर की सवारी दो स्वरूप में निकली है। पहले स्वरूप में जो मन महेश की प्रतिमा है वो आज हाथी के ऊपर विराजित हो गई और चंद्र मौलेश्वर भगवान पालकी में विराजित होकर नगर में भ्रमण किया, नगर में भक्तों के हाल जाने और नगर में सारा पूजा, जहाँ जहाँ देवालय है वहाँ पूजा हुई और उसके बाद पुनः अपने मंदिर में उनका भगवान का आगमन हुआ। और जहाँ आने के बाद जो परंपरा अनुसार उनकी पूजा होने के पश्चात पुनः आरती की गई भगवान महाकालेश्वर। इस बार कितनी सवारी निकलने वाली है? इस बार 7 सोमवार पड़ रहे हैं क्योंकि श्रावण में 5 सोमवार आए हैं और 2 भाद्रपद के हैं। हमारे यहाँ की एक अवंतिका की एक परंपरा रही है कि शैव और वैष्णव संप्रदाय दोनों का महत्व दिया जाना चाहिए, इसलिए 2-5 सवारी जो अभी वर्तमान में निकलेगी वो श्रावण की होगी और जो 2 भाद्रपद में जो निकलेगी वो वैष्णव की निकलेगी। क्योंकि हमारे यहाँ जो महाराष्ट्र और मालवा में जो श्रावण मास होता है वो 1.5 महीने का होता है, क्योंकि जो जो शिव संप्रदाय से होते हैं वो हम पूर्णिमा से पूर्णिमा का श्रावण मानते हैं और जो दक्षिणी होते हैं जो महाराष्ट्रियन होते हैं वो अमावस्या से अमावस्या तक मानते हैं, इसलिए 1.5 महीने का श्रावण मास यहाँ अवंतिका में भी और महाराष्ट्र में भी माना जाता है। उज्जैन से यश असावरा की रिपोर्ट।